वेलकम टू न्यू लेसन। सो कल के लेसन में हमने एक लैंडिंग पेज बनाया था, देन हमने थैंक यू पेज बनाया था, देन हमने गूगल टैग मैनेजर का सेटअप किया था, देन हमने गूगल एनालिटिक्स का सेटअप किया था। ठीक है, अब आपको अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में लॉग इन करना है और एक दो चीजें आपको करनी है वहां पे, राइट। ये रहा मेरा गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। सो मेरे को जाना है एडमिन के अंदर, ठीक है, और एडमिन के अंदर आप जाओगे और यहां पे आप जाओगे प्रॉपर्टी सेटिंग्स। यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीमार्केटिंग अनेबल करने का, ठीक है जी। सो एक बार देख लेते हैं शायद, हाँ देखो, ट्रैकिंग इन्फो में जाओ और देन जाओ डेटा कलेक्शन पे, ठीक है। कहां जाओगे आप, जाओगे एडमिन के अंदर यहां पे, एंड देन यू विल गो टू ट्रैकिंग इन्फो एंड देन यू विल गो टू डेटा कलेक्शन, ठीक है। आपको यहां जाना है और आपको रीमार्केटिंग ऑन करनी है, रीमार्केटिंग ऑन, और देन आपको करना है सेव, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जो भी गूगल एनालिटिक्स का डेटा है, वी कैन यूज दैट डेटा फॉर रीमार्केटिंग पर्पसेस, ठीक है जी। तो सिंपल इसको ऑन किया और इसको मैंने किया सेव और मैं गया वापस, ठीक है। अब गूगल एनालिटिक्स में सेटअप कर चुका हूं। अगला काम मैं क्या करूंगा, मैं अपना गूगल एड्स अकाउंट और गूगल एनालिटिक्स अकाउंट इन दोनों को लिंक करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, अपना गूगल एड्स अकाउंट और गूगल एनालिटिक्स अकाउंट इन दोनों को लिंक करूंगा, ठीक है। तो सिंपल मैं आऊंगा वापस, वही मैं गया एडमिन के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिन वाला ऑप्शन है, राइट। सो गो टू एडमिन और यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल एड्स लिंकिंग, ये देख सकते हो आप गूगल एड्स लिंकिंग है ना। तो गूगल एड्स लिंकिंग को क्लिक करो और यहाँ पे देखो आपका गूगल एड्स अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहो तो इसको मैच कर सकते हो। देखो 4570 4570 है ना, इसे सेलेक्ट करो और कंटिन्यू करो। यहाँ पे आप नाम दे दो, ठीक है। तो सेम मैंने ले लिया गूगल एड्स अकाउंट और यहाँ पे इसके लास्ट डिजिट जो है ना 4570, छोड़ो ऐसे लिख देते हैं 4570, राइट। और इसको ऑन कर देना, ठीक है। और ये ना ऑटो टैगिंग है, इसको यहाँ पे एडवांस अनेबल है, ये देख लेना बस कि अनेबल है कि नहीं, ठीक है। अनेबल ऑटो टैगिंग और लिंक अकाउंट, ठीक है, परफेक्ट, लिंक हो गया, अब कर दो डन। देखो अकाउंट लिंकिंग डन है, ठीक है। अब वापस एक बार आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कल के लेसन में, आज के लेसन में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको, नथिंग फैंसी, और इजीली सारी चीज हो जाएंगे। वहां पे आओ वापस, एक बार इसको भी रिफ्रेश कर लो, इसको मैंने रिफ्रेश किया और मैं इधर गया टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर और यहां पे ऑप्शन है लिंक्ड अकाउंट्स, ठीक है, लिंक्ड अकाउंट्स। तो मैं गया लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर और यहां पे देखो गूगल एनालिटिक्स डिटेल्स, देखो ये आ रहा है लिंक्ड, ये मेरी आईडी भी आ रही है गूगल एनालिटिक्स की वन करके। अब यहां पे चाहूं तो उसे चेक कर सकता हूं, प्रॉपर्टी सेटिंग्स में जाए, ये देखो 8331 8331, ठीक है, परफेक्ट है, लिंक हो चुका है। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि देखो मेरे को अपना कन्वर्जन इवेंट बनाना है और उस कन्वर्जन इवेंट को मुझे इंपोर्ट करना है गूगल एड्स के अंदर। मैं कन्वर्जन ट्रैक करना चाहता हूं ना, तो मैं क्या ट्रैक करना चाहता हूं कि भैया जितने भी लोग मेरे थैंक यू पेज पे आए वो क्या है मेरे लिए, कन्वर्जन, है ना। मैं ये ट्रैक करना चाहता हूं, ये ट्रैक मैं कहां करूंगा, ये ट्रैक मैं करूंगा गूगल एनालिटिक्स के अंदर और ये इंफॉर्मेशन मैं भेज दूंगा अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं एनालिटिक्स में हूं तो देखो मैं दिख रहा हूं यहां पे, इस पेज पे मैं था थैंक यू पेज, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूं, आप चाहो तो यहां पे सिंपल ये कॉपी कर सकते हो थैंक यू पेज, ठीक है, आया। आप अपने पेज का जो भी यूआरएल होगा आपके थैंक यू पेज का वो कॉपी कर लोगे, देन आप आओगे अगेन एडमिन के अंदर एंड देन आप आओगे ऑडियंस डेफिनेशन, ये दिख रहा है ऑडियंस डेफिनेशन,
आप आओगे ऑडियंस डेफिनेशन के अंदर, देन आपको यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऑडियंसेस, तो आप यहां पे आओगे ऑडियंसेस के अंदर, और पहले ये एक ऑडियंस डिफॉल्ट बनाता है गूगल एनालिटिक्स, है ना। तो सिंपल देखो ये बना रहा है ऑल यूजर्स की, तो सिंपल इसको यहां पे वो कर दो एड डेस्टिनेशन, आप अपना गूगल एड अकाउंट सेलेक्ट कर लो एंड जस्ट अनेबल दिस, और यहां से चले जाओ बैक टू द ऑडियंसेस पेज। अब एक ऑडियंस बन गई देखो ऑल यूजर्स की, ठीक है। अब हमें नई ऑडियंस बनानी है कन्वर्जन की, तो मैंने किया सिंपल न्यू ऑडियंस, और यहां पे करोगे क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू किया, यहां आ जाओगे कंडीशन के अंदर, और यहां ऐड कंटेंट की जगह सर्च करो यहां पे पेज, पेज सर्च करो, थोड़ा सा नीचे आओ और इस पेज पे आ जाओ, ये लिखा ना जस्ट पेज, और ये कंटेंट्स है इसको कर दो एग्जैक्टली मैचेस, और यहां पे पेस्ट कर दो, ये जो हमने कॉपी किया था इसको किया पेस्ट, इसे किया अप्लाई, और मेंबरशिप ड्यूरेशन 540, मैक्सिमम 540 दिन की ड्यूरेशन हो सकती है, तो 540 दिन किया, और ऑडियंस का नेम ठीक है इसको लिख दो लीड्स, और आगे लिख दो जीए, ठीक है लीड्स और जीए मतलब गूगल एनालिटिक्स, और यहां पे मैंने किया नेक्स्ट स्टेप डेस्टिनेशन, ये रहा मेरा गूगल एड्स, और इसको मैंने किया पब्लिश, सिंपल पब्लिश कर दिया बैक टू द ऑडियंसेस पेज। अब आओगे वापस गूगल एड्स के अंदर, इसको रिफ्रेश करोगे, इसको रिफ्रेश किया हमने गूगल एड्स को, अब हम जाएंगे वापस टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। कहां जाओगे टूल्स एंड सेटिंग्स में, और यहां आओगे कन्वर्जन, ठीक है कन्वर्जन, अभी जो हमने कन्वर्जन इवेंट बनाया है, कन्वर्जन एक्शन बनाया है, उसको यहां पे इंपोर्ट करेंगे गूगल एड्स के अंदर। सो प्लस कन्वर्जन किया, और यहां पे लोगे इंपोर्ट, इंपोर्ट ठीक है, और यहां पे लोगे गूगल एनालिटिक्स, ठीक है गूगल एनालिटिक्स, और करोगे कंटिन्यू। देखो एक बार लिंक्ड अकाउंट का स्टेटस चेक कर लेते हैं, अभी वो इवेंट यहां पे आया नहीं है फॉर सम रीजन, लिंक्ड है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वापस जाते हैं, अब देखो बताओ क्यों नहीं हुआ, आपने पहले भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी। देखो अभी मैंने किया क्या, अभी मैंने ऑडियंस बनाई है ना, ऑडियंस को हम गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब मेरे को अगर कन्वर्जन इवेंट इंपोर्ट करना होगा तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा बताओ, क्या यहां पे किया मैंने, मुझे बनाना था गोल, राइट मुझे गूगल एनालिटिक्स के अंदर बनाना था गोल, और उस गोल को मुझे इंपोर्ट करना था गूगल एड्स के अंदर, ठीक है। तो ये करना भी बहुत ही सिंपल है, सिंपल जाओ एडमिन के अंदर, यहां गोल्स है, सिंपल जाओ गोल्स के अंदर, और यहां पे कर दो न्यू गोल, और यहां पे सिंपल आके कर दो कस्टम, इसे कर दो कंटिन्यू, और इसे कर दो लीड्स जीए गोल, और ये गोल सेट वन रहने दो, इसको कर दो डेस्टिनेशन, यहां से कर दो डेस्टिनेशन, और इसे कर दो कंटिन्यू, और इक्वल टू में इसको यहां पे पेस्ट कर दो, और इसे कर दो सेव, सिंपल कुछ नहीं करना, हो गया। अब इसे करो रिफ्रेश, वापस आओ टूल्स एंड सेटिंग्स कन्वर्जन, कन्वर्जन इंपोर्ट गूगल एनालिटिक्स कंटिन्यू, देखो आ गया लीड्स जीए गोल इंपोर्ट एंड कंटिन्यू, डन हो गया जी, परफेक्ट गोल आ गया हमारा, नो रिसेंट कन्वर्जन, क्योंकि कोई कन्वर्जन है ही नहीं। अब वापस जाओ टूल्स एंड सेटिंग्स, और जाओ ऑडियंस मैनेजर, अब कहां जाओगे ऑडियंस मैनेजर के अंदर, देखो यहां पे दो ऑडियंस आ गई, पहली मैंने ऑडियंस बनाई थी जो मैंने आपको बताया था ना, सारे बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट कर देता है ऑल विजिटर्स की, फिर दूसरी मैंने ऑडियंस बनाई थी लीड्स की, है ना। अब एक और ऑडियंस अब बनाते हैं, वो लोग जो मेरे लैंडिंग पेज पे गए हैं, तो ये मेरा लैंडिंग पेज है, इसको मैंने यहां से कॉपी किया, वापस में गया जीए में, वापस में इधर गया, और यहां पे मैं गया ऑडियंस डेफिनेशन के अंदर, और यहां पे मैं गया ऑडियंसेस के अंदर, और यहां पे मैं सिंपल गया न्यू ऑडियंस के अंदर,
और यहां पे मैंने क्या क्रिएट न्यू, और मैं आया कंडीशन पे और इसको मैंने कर दिया यहां पे सिंपल पेज, मेरा पेज, और इसको मैंने किया एग्जैक्टली मैचेस, इसको पेस्ट किया, इसको किया अप्लाई, इसको किया 540 दिन, और मेंबरशिप ड्यूरेशन 540 दिन, मतलब एक बार जो बंदा इस लिस्ट में आ गया वो नेक्स्ट 540 डेज तक इस लिस्ट में रहेगा, और से वो दोबारा आता है आपके पेज पे, दोबारा विजिट करता है, तो ये 540 डेज दोबारा रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे लिखो ऑडियंस का नाम, विजिटेड लैंडिंग पेज जीए, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन गूगल एड्स, और इसको किया पब्लिश। ठीक है, बिल्कुल ही आसान। बैक टू द ऑडियंसेस पेज आ गए, यहां आओ, रिफ्रेश करो। देखो आगे ऑडियंस वो भी है ना। तो अब हम सब काम कर चुके हैं, अब हमें जस्ट बनानी है एड्स। ठीक है, सो मेक श्योर कि इतना सारा काम आप करो तब आप एड्स पे आ सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अगले लेसन में हम एड बनाएंगे, प्लस हम रीमार्केटिंग एड बनाएंगे, दोनों एड बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।